अगर आप चाहते हैं अपने डॉग को ट्रेन करना और लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि जो मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं उनको देख के आप अच्छे से अपने डॉग को सिखा रहे होंगे। तो आज पे इसी उम्मीद के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई कमांड लेके जिसका नाम है नमस्ते। तो दोस्तों, इस कमांड को सिखाते समय कुछ ज़रूरी जो प्रिकॉशंस रखनी है वो क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ट्रीट करना, कि ट्रीट कैसे करनी है ये ध्यान रखना है बहुत, ठीक है। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो है सब्र। आपको इस कमांड को सिखाते समय सबसे ज़्यादा सब्र रखना है, क्योंकि इस कमांड को सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। तो इस कमांड को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें। ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं कमांड की तरफ। कमांड कैसे सिखानी है, सबसे पहला स्टेप जो है बैलेंसिंग, उसको बैलेंस करना है। एक हाथ अपने आपको उसकी नेक पे लगाना है आगे से, और एक उसकी बैक की तरफ, पीछे की तरफ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर बैलेंस करना है। और ये एक्सरसाइज से कम 15 से 20 मिनट तक उसको डेली करानी है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 से 4 दिन करनी है, इतने में ये आपके डॉग को बॉडी बैलेंसिंग आ जाएगी। बॉडी बैलेंसिंग अच्छी तरीके से करने लगे तो उसका है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, डॉग को अपने पैरों के सहारे बैलेंस करना है। डॉग का जो फेस है वो आपका सामने की तरफ रहेगा, और उसको अपने पीठ के सहारे, पैरों के सहारे उसकी पीठ सटा के खड़ा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको बैलेंस करना है। और हाथ को अपने ऊपर रखना है ट्रीट वाले को, जिसमें ट्रीट होगी, और ट्रीट उसको खिलाते रहना है। जब ऊपर देखे तो ट्रीट करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बैलेंस करना है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कम से कम आप डेली 10 से 15 मिनट इसको भी डेली करना है, और ये भी 5 से 6 दिन आप इसको करें। दोस्तों, ये दोनों एक्सरसाइज काफ़ी दिन से 10 से 12 दिन हो जाएंगे, इसके बाद काफ़ी हद तक आपके डॉग को बॉडी बैलेंसिंग करना आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है कि आपको नमस्ते बोलते हुए उसको पैर के सहारे बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब बोलेंगे नमस्ते, जैसे ही वो आगे हो जाए तो उसके आगे पैर लगा देना, वो आपके पैर को पकड़ के काफ़ी देर तक बैलेंस करेगा। उसको वहीं ट्रीट करते रहना है, और थोड़ी देर रुक रुक के ट्रीट करिएगा, और धीरे धीरे पैर को हटाने की कोशिश कीजिए, फिर लगाइए। सब एक्सरसाइज करने के बाद आपका डॉग काफ़ी हद तक बैलेंस करने लगा होगा, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे नमस्ते उसको, तो जैसे ही नमस्ते बोलेंगे वो तो बैठे लगेगा, इस तरीके से इस पोज को बना के बैठे लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो ऐसे बैठे तो उसको ट्रीट करो, और जैसे ही इस पोजीशन में गिर भी रहा है अगर डॉग, तो उसको हाथ से पकड़ के बैलेंस करने की कोशिश करो और ट्रीट करते रहो वहाँ पे। तो इस चीज़ को हटाओ, और जैसे गिरे तो उसका ट्रीट की तरफ ध्यान होगा, वो आपकी ट्रीट को देख रहा होगा, उसको हाथ को छोड़ो और वो बैलेंसिंग में ध्यान रहेगा, और उसको ट्रीट करते रहो, बार बार ट्रीट करना है इस तरीके से। तो ये इसके बाद देखोगे आपकी आपका डॉग अच्छे तरीके से ये बैलेंस करने लगा है। तो इस धीरे धीरे इसका टाइम क्या है, बढ़ता जाएगा उसका बैलेंसिंग का, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ाते रहना है, जैसे आपने 2 सेकंड किया, धीरे धीरे ट्रीट को अभी दे रहे हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, ट्रीट दी फिर रुक के ट्रीट दी, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाएगा, और अच्छी तरह परफेक्ट नमस्ते करने लगेगा। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको नमस्ते सिखाने के लिए आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे मेंबरशिप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो इधर जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं इन पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको एक फीडबैक दिखाने जा रहे हैं जो कि हर मेंबर जो हमसे ज्वाइन करता है उससे हम लेते हैं, तो आप इस फीडबैक को देखिए। हाय, आई एम प्रथम कादियान, सन ऑफ कर्नल राजेश कादियान फ्रॉम पुणे। आई वाज सर्चिंग फॉर अ ट्रेनर फॉर माय डॉग व्हिच वाज बोथ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, बट माय फादर लकीली फाउंड ट्रिपल एस डी टी एंड रियली हैज अप्रिशिएटेड दैट चैनल एंड एफर्ट गिवन बाय सुनील एंड साहिल and it helps us in the training and upbringing of our pups. As you know, Tibetan Mastiffs are very stubborn dogs, but by the guidance of SSSDT, my father is able to control them very easily. The tricks told by them are easy and friendly, and the training given is very easy and compatible for me and my dog both. We cannot only contact them for training, but also call them from daily to daily problems faced by us, like grooming and their feeding. By their guidance, we have made a good and a understandable Tibetan Mastiff, and I would like to recommend this channel to all the people who like to train their dogs and love them. I would like to greet Sahil and Sunil from the bottom of my heart and the help they have given to us. Thank you. दोस्तों, अगर आप एक एडॉप्ट करना चाहते हैं डॉग, तो जो लोग अपने डॉग को देना चाहते हैं और आप एक डॉग लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मिलाएंगे उनसे। तो आप क्या कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द पिक्स देंगे। और उन लोगों, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे लेने में, तो हम जो डॉग देना चाहते हैं उनको आपका नंबर दे देंगे और आप दोनों को मिलवा देंगे। तो एक डॉग को अपना घर मिल जाएगा और आपको एक डॉग मिल जाएगा जो एडॉप्ट करना चाहता है। अगर आपने हमारे चैनल के थ्रू कुछ भी सिखाया अपने डॉग को शुरू से लेकर अब तक हम अपने 39 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर उनमें से आपने कुछ भी सिखा चुके हैं, तो आप क्या कीजिए कि हम लोगों को व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो दीजिए। हम क्या करेंगे कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर आपकी वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे कि सब लोग देख सकें कि आपने क्या सिखाया है। तो आपके पास मौका है तो जल्द से जल्द हमारे पास वीडियो भेजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।